मंगलवार शाम लगभग 7 बजे चंबा के कुंर में एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। दुर्घटना शाम के समय हुई है जब ये लोग पिकअप में बैठकर कुंर से चंबा आ रहे थे। चंबा के कुंर में मंगलवार को पिकअप वाहन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पिकअप में 2 लोग सवार थे जिसमें चालक पंकज की चंबा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई और एक व्यक्ति सुरेश कुमार घायल हो गया जिसका इलाज चंबा में चल रहा है। शाहपुर निवासी 28 वर्षीय पंकज कुमार गाड़ी चला रहा था और बदहाल सड़क के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और ये हादसा पेश आया। हादसे में घायल सुरेश कुमार का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत होने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेरा नाम सुरेश कुमार थल्ले रोड बड़ा खराब था तो गड़ी में ब्रेक पर फेल हुई है ना गड़ी पे ही। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए कुंर के उप प्रधान सुदेश कुमार ने बताया कि घटना शाम करीब 7 बजे की है जब उनको इस बात की सूचना मिली। उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और दोनों घायलों को इलाज के लिए चंबा लाया गया जहां एक की मौत हो गई। पिछले कल ग्राम पंचायत कुंर में जो दुर्घटना हुई वो लोग शाहपुर से थे, एक का नाम सुरेश कुमार स्थाई निवासी शाहपुर, उम्र 72 साल थी उनकी, और दूसरा उनके साथ जो ड्राइवर था पंकज कुमार उसकी उम्र 27 साल है। करीब शाम को 7 बजे पिकअप किउला नामक स्थान पर ग्राम पंचायत कुंर में जो लुटकी वो लगभग 20 मीटर नीचे गिर पड़ी और मौके में पहुंचकर मैंने पुलिस को सूचित किया और एम्बुलेंस को सूचित किया। अस्पताल चंबा में पहुंचाया गया। चंबा में पहुंचाते ही जो पंकज कुमार था उसकी बहुत दुखद बात है, उसकी डेथ हो गई है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।